ये अक्सर नहीं होता है कि अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र करें। ये अक्सर नहीं होता है कि नेहरू की किसी परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ाएं। ये अक्सर नहीं होता कि अमित शाह एक वीडियो जारी करें जिसकी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के फैसले पर आधारित हो। लेकिन ये हुआ है। क्यों? क्योंकि इस देश की नई संसद का उद्घाटन होना है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियां उद्घाटन समारोह के बहिष्कार करने की बात कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खूबसूरत कहानी सामने आई है। ये कहानी है भारत की परंपरा की, भारत के लोकतंत्र की, भारत की संस्कृति की। आजादी के 75 साल बाद जिस कहानी को हम भूल चुके हैं, ये वो कहानी है। ये कहानी है सेंगोल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस वीडियो को जारी किया, उसकी कहानी हम आपको बता देते हैं। ये कहानी अगस्त 1947 की है। तमिलनाडु उस वक्त में, जिसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था, वहां के कुछ लोग दिल्ली की एक बेहद खास यात्रा पर निकले थे। उनकी यात्रा का मकसद था एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता सौंपने का काम पूरे विधि विधान से करने का। दरअसल भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता सौंपने का ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ खाली हाथ मिलाकर नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि किसी खास परंपरा का पालन किया जाए। लेकिन सवाल ये था कि किया आखिर क्या जाए। माउंटबेटन ने ये सवाल पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही कर दिया। नेहरू जी ने यही सवाल सी राजगोपालाचारी से, जो कि उस वक्त एक जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके सामने जाकर रखा। सी राजगोपालाचारी ने इस सवाल का जवाब खोजा एक ऐसी प्राचीन परंपरा में जो कि चोला राजाओं द्वारा अपनाई जाती थी। चोला साम्राज्य भारत के प्राचीनतम और लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्य में से एक था। इस साम्राज्य में एक राजा से दूसरे राजा में सत्ता का हस्तांतरण या फेरबदल एक सेंगोल सौंप कर किया जाता था। सेंगोल को नीति परायणता का उदाहरण माना जाता था। सेंगोल को सौंपते वक्त भगवान शिव का आवाहन किया जाता था, क्योंकि चोला साम्राज्य शिव के भक्त माने जाते थे। सी राजगोपालाचारी ने इसी परंपरा का सुझाव नेहरू जी को दिया, जिसे पंडित नेहरू ने स्वीकार कर लिया। तिरुवा वदुरई आदिनाम, जो कि एक प्रमुख मठ था, तब उससे संपर्क किया गया। एक सेंगोल को बनवाया गया। उस सेंगोल के सबसे ऊपर नंदी विराजमान थे। नंदी क्यों? क्योंकि नंदी को शक्ति, सत्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल को उस वक्त चांदी से बनाया गया था, जिसके ऊपर सोने की परत थी। सेंगोल बनने के बाद एक स्पेशल प्लेन से एक खास दल इसे लेकर दिल्ली आया। 14 अगस्त 1947 की रात को सेंगोल को भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया, जिसे प्रतीक के तौर पर वापस ले लिया गया और फिर उस सेंगोल पर पवित्र जल को छिड़का गया। सेंगोल की बकायदा शोभा यात्रा निकाली गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास उसे ले जाया गया। तमिल में हो रहे मंत्रोच्चार के बीच नेहरू जी को पीतांबर वस्त्र पहनाए गए और फिर उन्हें सेंगोल को सौंप दिया गया। 1000 साल पुरानी परंपरा का पालन करते हुए जो मंत्र सबसे आखिर में तमिल में कहा गया, उसका अर्थ था कि ये हमारा आदेश है कि ईश्वर के अनुयायी राजा स्वर्ग के समान शासन करेंगे। ये मंत्र कहे गए थे भारत के होने वाले पहले प्रधानमंत्री के सामने, जो उस रात के बाद ठीक एक दिन बाद आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इस परंपरा का पालन करने के बाद 14 अगस्त की आधी रात को नेहरू जी ने संसद में अपना विश्व प्रसिद्ध वो भाषण दिया था, जो कि पूरी दुनिया के लिए भारत की आजादी का संदेश था। अब एक बार फिर से सेंगोल को संसद में लाया जा रहा है, इस बार नई संसद में। इस परंपरा को लोगों के बीच लाने वाली ये कहानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके सामने लाई है। इस विषय पर चाहे कोई भी राजनीति, किसी भी तरीके की राजनीति क्यों ना हो रही हो, ये बात तो साफ है कि सेंगोल के जरिए हम अपनी सालों पुरानी परंपरा को एक बार फिर जान पाए हैं, जो कि शायद कहीं लुप्त सी हो गई थी या फिर बेहद कम लोगों को ही पता थी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक
चले।